35 लाख रुपए लेकर चंपत होने वाले नौकर को कांदोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांदोली पुलिस ने एक व्यापारी का 35 लाख रुपए कैश लेकर भागने वाले नौकर को 12 घंटों के भीतर 27 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यूपी भाग रहे आरोपी को कल्याण से किया गिरफ्तार। मुंबई के कांदोली पुलिस ने एक नौकर को कल्याण से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अपने मालिक का 35 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को कल्याण इलाके से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 27 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। बता दें कि शिकायत के तुरंत बाद कांदोली पुलिस ने 12 घंटों के भीतर मामला सुलझा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बोरोली में रहने वाले हेमंत अरुण मेहता नामक व्यापारी ने 6 जनवरी को अपने नौकर को 35 लाख रुपए कैश देकर आंगड़िया से गुजरात भेजने के लिए कहा था। इस समय आरोपी के साथ व्यापारी का दूसरा पुराना नौकर भी गया हुआ था। महावीर नगर में उनका ऑफिस है, उसमें ऑफिस में उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उसमें ऑफिस में दो नौकर काम करते हैं, एक ऑफिस बॉय है और एक चालक है। ऑफिस बॉय 10 साल से उनके पास काम करता है और अभी दूसरा नौकर है, चालक है, वो 4 महीने से काम करता है। तो उनका जो उनका बिजनेस जमीन का रहने से उसने जमीन खरीद किया था और उसके पैसा देने के लिए उन नौकर को दोनों नौकर को बोला था। अगले दिन ने उसको उनका कुत्ता स्कूटी और 35 लाख कैश दिया था। वो दोनों लेके अपना साईं बाबा कॉम्प्लेक्स लालजीवाड़ा में गए थे। तभी इधर सिक्योरिटी है गेट पे, उसने उसको अंदर जाने का मना किया, तो बोला कि एंट्री करके जाओ। उसके लिए उनका जो पुराना नौकर है वो स्कूटी से उतरा, वो एंट्री कर रहा था। वो उसके दरमियान जो 4 महीने का नौकर था चालक, उसने सदर स्कूटी से अपना कैश था वो लेके भाग। किनको मालूम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जो नौकर था वो गाँव में उत्तर प्रदेश जाने के लिए अपने उज्जैन का बहन बस पकड़ा था। ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे उज्जैन में उनको नासिक कलर फटाए थे हाईवे पे, उसको बस से उसको बरामद किया और उसके पास से हमने 27 लाख हस्तगत किया और जो स्कूटी उसने मालाड़ में छोड़ा था वो भी हमने हस्तगत किया। ऐसा मिलके 27,50,000 रिकवरी। कांदोली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनकर आकाराम यादव ने बताया कि दोनों पैसे लेकर कांदोली पश्चिम के लालजीपाड़ा स्थित साई धाम कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया और डायरी में नाम एंट्री करने के लिए कहा। डायरी में नाम एंट्री करने के लिए जैसे ही व्यापारी का पुराना नौकर बाइक से उतरा, तभी नया वाला नौकर 35 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांदोली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और कल्याण के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 27 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम 30 वर्षीय पंकज सिंह बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी करीब 1 महीने पहले ही व्यापारी के पास ड्राइविंग के लिए काम पर लगा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पैसे लेकर मुंबई से बस में चढ़कर कल्याण भाग गया था और कल्याण से ट्रेन पकड़कर उज्जैन और फिर वहां से यूपी की तरफ भागने के फिराक में था, लेकिन कांदोली पुलिस की टीम ने जबरदस्त एक्शन दिखाते हुए महाराष्ट्र से बाहर भागने से पहले आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।